हे एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग देखते हैं एक टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम 10 ऐसे ऐसा बताए थे जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो नंबर वन टॉपिक थी उसमें अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड्स, आज अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं कि इस पर कैसे हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये देखो, ये क्या है, एक आदमी है जो नीड वर्क, इनको काम की जरूरत है, ये अनएम्प्लॉयड हो गए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कि इस पे आखिर ऐसे हम लोग कैसे लिखें। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री एंड दिस प्रॉब्लम इज बिकमिंग मोर एंड मोर सीरियस डे बाय डे। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री की, और ये प्रॉब्लम ऐसी है कि दिन ब दिन सीरियस ही होती जा रही है। द पीपल हैव डिजायर टू वर्क बट दे हैव नथिंग टू डू। पीपल जो रहते हैं, लोग जो रहते हैं, काम के तलाश में रहते हैं, लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ नहीं रहता है। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यही तो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की। There is a proverb in English and idle minds is a devil's workshop. अब एक हम लोग को बीच बीच में प्रोवर्ब भी डाल देना है। तो बोल रहा है कि यहाँ इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, क्या है प्रोवर्ब, एंड idle mind is a devil's workshop means खाली दिमाग शैतान का वास होता है। When one has nothing to do, he thinks of creating all sorts of mischief. अब ऐसा क्यों बोला गया है कि खाली दिमाग जो रहता है वो शैतान का वास होता है? तो ये इसीलिए बोला गया है कि जब हम लोग के पास कुछ करने के लिए नहीं रहता है, फ्री रहते हैं हम लोग, तो माइंड में हमारे कुछ से कुछ आता रहता है, कुछ से कुछ चलता रहता है करने के लिए। तो अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देयर आर मेनी रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत से रीज़न हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। आप कुछ रीज़न भी बता देंगे कि क्या क्या रीज़न है, किसके किस किस के कारण जो है सो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है सो हमारी कंट्री में बढ़ रही है। तो कुछ अब रीज़न बताएंगे वहाँ पे। द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन ऑफ आवर कंट्री इज़ द मेन रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक रीज़न ये है कि द ग्रोइंग पॉपुलेशन, हमारे कंट्री की जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, बढ़ती आबादी है, वो एक मेन रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की। आवर प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज ऑल्सो डिफेक्टिव। हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी डिफेक्टिव है। एट प्रेजेंट एवरी मैन एंड वूमेन वांट्स अ जॉब इन ऑफिस। प्रेजेंट टाइम में फ्रेंड्स सभी मैन और वुमेन क्या चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं ऑफिस में। द पोस्ट ऑफ ऑफिसेस आर लिमिटेड। लेकिन जो ऑफिस की पोस्ट रहती है वो लिमिट में रहती है कि कुछ ही पीपल को वहाँ पे जॉब मिल सकती है, हर कोई को वहाँ पे जॉब नहीं मिल सकती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट जॉब फॉर एवरीबॉडी। सबको जॉब नहीं मिल सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स। सो मोस्ट ऑफ देम रिमेन अनएम्प्लॉयड। इसीलिए इनमें से बहुत से जो कैसे रह जाते हैं, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। आवर लैंड इज लिमिटेड बट द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब हम लोग लिखेंगे कि हमारी जो लैंड है वो लिमिटेड में है, लिमिट में है, लेकिन हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है लीप्स एंड बाउंड्स। दीज आर द मेन रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यही तो मेन रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। हम लोग इसी तरह बना बना कर एग्ज़ाम में लिखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्या नेक्स्ट पॉइंट है? अब द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी सॉल्व एट एनी कॉस्ट। अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है किसी भी कीमत पर सॉल्व की जा सकती है। तो कैसे सॉल्व की जा सकती है, तो वो अब हम लोग देखते हैं इसमें लिखेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ शुड बी चेक्ड। पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक्ड करना चाहिए। फॉर दिस फैमिली प्लानिंग शुड बी मेड पॉपुलर। इसके लिए फैमिली प्लानिंग को पॉपुलर बनाना पड़ेगा। द एजुकेशन सिस्टम शुड बी मेड प्रोडक्टिव। एजुकेशन सिस्टम को प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड गिव फाइनेंशियल हेल्प टू द अनएम्प्लॉयड टू स्टार्ट सम बिजनेस। अब बोला जा रहा है कि एक और
फ्रेंड्स तरीका है कि इसको अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का, क्या है वो कि गवर्नमेंट को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए अनएम्प्लॉयड पीपल को, ताकि वो कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करें उस पैसे से और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स दस अनएम्प्लॉयमेंट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। अनएम्प्लॉयमेंट जो है सो एक बहुत बड़ी बहुत महान प्रॉब्लम है हमारे कंट्री की। द गवर्नमेंट इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बट विदाउट पब्लिक सपोर्ट इट इज नॉट पॉसिबल। अब हम लोग लिखेंगे कि गवर्नमेंट जो है सो अपनी जो है सो पूरी कोशिश कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, लेकिन बिना पब्लिक सपोर्ट के ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। फ्रेंड्स हम लोग को भी चाहिए कि हम लोग जो है सो इसको इस प्रॉब्लम को किसी तरह जो है सो गवर्नमेंट का साथ दें और इसको सपोर्ट करके गवर्नमेंट का साथ देकर सपोर्ट करके गवर्नमेंट को इस प्रॉब्लम को जो है सो सॉल्व करें, क्योंकि अगर हम लोग पब्लिक लोग अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है सो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की ये कभी भी सॉल्व नहीं होगी। नेक्स्ट अब हम लोग लास्ट में लिखेंगे दैट्स वाई आई वुड जस्ट सेड वी ऑल शुड हेल्प द गवर्नमेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग को गवर्नमेंट का हम लोग को सभी को हेल्प करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही लिखेंगे ऐसे। चलिए फ्रेंड जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट पेज हो गया ये, सेकंड हो गया ये, और ये लास्ट हो गया। तो हम लोग ऐसे करके लिख देंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फ्रेंड्स अगर आप लोग को टॉपिक जानना है कि कौन कौन टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट तो ये हो गई अनएम्प्लॉयमेंट की और 9 और टॉपिक है, तो इससे पहले वाली वीडियो को देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखो। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पे देखें, बेरोज़गारी पे देखें कि आखिर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए इस पर हम लोग देखें। आप लोग इस पर अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा और एग्ज़ाम में अगर आए इस टॉपिक पे तो अच्छे से लिखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या थी हमारी वो। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।